सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम एक प्रोग्राम में कमेंट्स एंड उस प्रोग्राम का वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल कैसे लिखते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप यहाँ पे कमेंट्स को लिखना एंड वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनाना सीख जाएंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोज़ देख सकें। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम कमेंट्स कहाँ कहाँ लिख सकते हैं एंड फिर इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बना के देखेंगे। ये पूरा हमारा प्रोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, एक हमारे पास एक वेरिएबल है वर्ड जो कि एक्चुअल वर्ड है, इसमें ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है एंड ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इस वर्ड को रिवर्स करके इस REV वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। सो इस प्रोग्राम में हम कहाँ कहाँ कमेंट्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो जो मेन वर्क है हमारा रिवर्स कराने वाला, वो कहाँ पे हो रहा है, फॉर लूप के अंदर, ठीक है। सो फॉर लूप के बाहर यहाँ पे आप एक कमेंट लिख सकते हो, रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हमने कमेंट लिख दिया, रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। अब ये कमेंट को लिखने का तरीका क्या है कि आपको ऐसे डबल स्लैश बनाने हैं एंड उसके आगे अपना एक लाइन में कमेंट लिख देना है। सो इस तरह आप बेसिकली ये बताते हो कि आप उस जगह पे प्रोग्राम में क्या काम कर रहे हो। सो इसलिए मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जहाँ पे भी आप कोई लॉजिक यूज़ कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो वहाँ पे हमें कमेंट दे देंगे। अब इस प्रोग्राम में आप कहीं और देखो, क्योंकि ये छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पे बेसिकली एक ही वर्क हो रहा है, सो हम यहाँ ज़्यादा कमेंट्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको और कमेंट्स लिखने हैं प्रोग्राम में, सो आप कहाँ लिख सकते हो, जो फर्स्ट लाइन होती है आपकी, जो क्लास आप बनाते हो, इसके आगे आप लिख सकते हो क्लास डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप क्लास को डिक्लेयर कर रहे हो। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या है आपका मेन मेथड। इसके बाद जब आप ये ब्रैकेट्स बंद करते हो, सो यहाँ पे आपने कौन सा ब्रैकेट बंद किया, मेन का। सो यहाँ आप डबल स्लैश के बाद लिख सकते हो एंड ऑफ मेन मेथड एंड लास्ट आपका ब्रैकेट किसका था, क्लास का। सो यहाँ हो जाएगा एंड ऑफ क्लास। सो गाइस, कमेंट्स हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं प्रोग्राम में। अब हम बात करें अगर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल की, सो इस प्रोग्राम के एंड में, अब एंड में यहाँ पे स्पेस नहीं है सो मैं यहाँ पे ही बना दूंगा। सो प्रोग्राम के एंड में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में हम क्या लिखते हैं कि उस प्रोग्राम में हमने कितने वेरिएबल्स यूज करे हैं। सो यहाँ पे अगर आप इस प्रोग्राम में ध्यान से देखो, सो आपको कितने वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आपने एक वेरिएबल यूज किया है वर्ड, ठीक है, उसमें आपने एक्चुअल स्ट्रिंग स्टोर कराई है। देन आपने एक वेरिएबल लिया है REV जिसमें आप रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर कराओगे एंड एक वेरिएबल हमारा क्या है I जो कि क्या है लूप वेरिएबल। सो इस पूरे प्रोग्राम में बेसिकली हमने तीन वेरिएबल्स यूज किए हैं। सो हमें इन्हीं को वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में यहाँ पे लिखना है। सो चलिए इनको देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब VDT में हमारे तीन कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है हमारा वेरिएबल नेम, फिर टाइप एंड देन लास्ट डिस्क्रिप्शन। तो तीन कॉलम बने, पहला हो गया वेरिएबल नेम, सेकंड हो गया टाइप एंड थर्ड कॉलम हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। हम फर्स्ट नंबर डालेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट वेरिएबल हमारा कौन सा है, वर्ड। सो हमने यहाँ लिख दिया वर्ड। अब इस वर्ड वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सो हम टाइप में क्या मेंशन करेंगे, स्ट्रिंग। सो ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अब इस वर्ड वेरिएबल का काम क्या था, टू स्टोर द एक्चुअल वर्ड, क्योंकि यहाँ पे रियल वाले वर्ड को, एक्चुअल वर्ड को स्टोर कर रहा था। सो इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या लिख देंगे, टू स्टोर द एक्चुअल या ओरिजिनल वर्ड। सो टू स्टोर द एक्चुअल और ओरिजिनल वर्ड, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब सेकेंड वेरिएबल हमारा कौन सा है, REV। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग एंड इसका काम क्या था, टू स्टोर द रिवर्स्ड वर्ड, ठीक है। अब अगर हम थर्ड वेरिएबल की बात करें, तो थर्ड वेरिएबल हमारा कौन सा है, थर्ड वेरिएबल हमारा कौन सा था, I। सो I हमारा किस टाइप का था, इंटीजर। सो हमने लिख दिया इंट एंड इसका रोल क्या था, इट वॉज द लूप वेरिएबल, मतलब ये लूप के लिए यूज किया गया था। सो ये क्या है, लूप वेरिएबल। सो हमारे तीन वेरिएबल्स यहाँ पे थे, वर्ड, REV एंड I, और इनको हमने यहाँ पे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में इस तरह बना दिया है। सो कुछ इस तरह आपको प्रोग्राम के एंड में VDT बनाना होता है। यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया, बट आप अपने पेपर पे इसको साफ साफ एंड में बनाइएगा, ठीक है। जब आप प्रोग्राम खत्म कर लेंगे, सो उसके बाद इसको क्लियरली हेडिंग डाल के वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, इस टेबल को आप वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये था कमेंट्स एंड वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। सो आई होप अभी आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो
प्लीज़ इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।